सो गाइस 2018 में KGF 1 के रिलीज होने के बाद आज 4 साल के बाद आखिरकार आप सबका वेट खत्म. KGF हैज लैंडेड इन द नियरेस्ट सिनेमा नियर यू. आप जाइए, जाके ये मूवी देख के आइए. हाय, दिस इज शुभम मुखर्जी एंड आप देख रहे हैं कभी क्रिटिक्स कभी रिव्यूज. और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं KGF 2. सो गाइज, आप लोगों ने जिन लोगों ने सोच के रखा था कि इस मूवी के अंदर फाइनली हमको ये मालूम पड़ेगा, काफी फैन थियरीज भी थी कि आखिरकार रॉकी का बाप है कौन. सो इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर ने हमको दिखा दिया है आखिरकार. तो प्लीज स्टॉप योर गेस्ट वर्क, वो नहीं है जिसको आप सोच रहे थे. सो गाइज, KGF 2 इज जस्ट लाइक KGF 1. इट्स बेसिकली अ रोलर कोस्टर राइड जहां पे आप जाते रहेंगे और आपको मजा आता रहेगा. स्टार्ट से लेके एंड तक इतने सारे फाइट सीन, इतने सारे एक्शन सीन्स हैं इस मूवी के अंदर कि आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे. आपकी आंखें फिल्म स्क्रीन के ऊपर ही स्टार्ट से लेके एंड तक लगी रहेगी और आप ये जानना चाहेंगे कि अभी अगला क्या होने वाला है, अभी अगला क्या होने वाला है. इस फिल्म को बहुत ही इंटेलिजेंटली डायरेक्टर ने पिरोया है. आप जब देखेंगे फिल्म को तब आपको समझ में आएगा कि अभी कुछ चीज ऐसा हो रहा है, 2 मिनट के बाद आपको डायरेक्टर बैक स्टोरी या कोई म्यूजिक या कोई किसी के मेमोरी से आपको वो स्टोरी के पीछे क्या हुआ है आपको समझा देगा. सो फॉर मी गिविंग दिस स्टोरी 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इज नॉट अ बिग डील. आई कैन इजीली गिव दिस फिल्म 3.5 फॉर जस्ट द स्टोरी प्लॉट एंड द फास्ट पेस एक्शन दैट इट हैज. सो गाइज, आप जाते इस वीडियो को छोड़ के ना चले जाए, मैं आपको स्टार्टिंग में एक गाजर देता हूं और वो गाजर है KGF 3. Yes guys, KGF 3 आने वाला है just like KGF 2 जब अनाउंस हुआ था एंड में. और वी ऑलवेज सो हैप्पी. सिमिलरली KGF 2 के एंड में दिखाया गया KGF 3 का एक छोटा सा फाइल. जी हाँ, जो प्यून आपने देखा रहेगा KGF 1 में, वो 2 में भी, और 2 के एंड में वो प्यून निकालता है KGF 3 का फाइल. क्योंकि मुझे जब एंड मूवी का हुआ लगा कि अरे इसमें कुछ तो बाकी है, कुछ तो और होना चाहिए. और वही हुआ एंड में. आपको देखेगा एक फाइल का सीन जहां पे ट्यून निकालता है वो फाइल को और उसमें लिखा रहता है KGF 3. सो कमिंग टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म, बेसिकली प्लॉट बहुत ही सिंपल है. प्लॉट है ऑफ एस्पिरेशन का, ऑफ गट्स, ऑफ हिम्मत, ऑफ ताकत, ऑफ पावर, ऑफ शोइंग हाउ मैनली यू आर. Yes, exactly. This is the basic plot of this film, like in KGF 2. जो रॉकी भाई है हमारे, रॉकिंग स्टार यश, वो है एक माचो मैन. ही इज एन अल्फा मेल जो जहां जाते हैं अकेले हर एक दुश्मन के छक्के चौड़ा देते हैं. ही इज बेसिकली वन मैन आर्मी. वो जहां जाता है अपने साथ में आंधी, तूफान, बिजली, साइक्लोन, अर्थक्वेक, मोदी जी सब लेके आ जाता है वो. सो आपको एंड तक ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत है. हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे रॉकी को उनके ही लोग, उनके ही पीपल जिनको वो फर्स्ट पार्ट में रिलीज करता है. आपको अगर फर्स्ट पार्ट आपने देखा रहेगा तो KGF इज अ फिल्म विच इज अराउंड अ गोल्ड माइन जहां पे बहुत सारे लोगों को इलीगली, गैर कानूनी वेज में रखा हुआ है. किन्होंने रखा है? जो इस फिल्म के विलेन है. और उन्हीं विलन को मार के KGF 2 के एंड में गरुड़ा के खात्मे के बाद यश उनको करता है फ्री. और यही लोग उसके मदद में आते हैं जब उसको इस फिल्म के बीच में या एंड में उसकी जरूरत होती है. सो इसी फ्रेंडशिप और ट्रस्ट को लेके रॉकी अपना एक एम्पायर खड़ा करता है. ये रॉकी के खुद का एम्पायर होता है और वो एक एक करके उसके थ्रोन को जो भी चैलेंज करता है उसको एक एक करके एलिमिनेट करता है. इस फिल्म के अंदर आपको एक बहुत ही हार्डन्ड कैरेक्टर मिलेगा, वो है संजय दत्त जी का. संजय दत्त जी एज यूजुअल हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. उनको देख के ऐसे ही लगेगा कि ही इज अ मर्सनरी. एंड बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा कि उनका कैरेक्टर कहीं से कॉपी किया गया है. अगर आप लोगों ने वाइकिंग नाम का सीरियल देखा है HBO पे, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है रैगनार जिसका कैरेक्टर हूबहू संजय दत्त के अधीरा के कैरेक्टर से मैच खाता है. दो अधीरा को बहुत ही रूथलेस दिखाया गया है बट एंड में उसकी भी हार हो जाती है यश के सामने. एंड अधीरा इज नॉट द मेन विलन. आई रिपीट, हमने जो सोचा था अधीरा इज द मेन विलन बट ही इज नॉट. एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उसको इतना हाइप दे के एंड में इतनी इजीली क्यों मार दिया. बट ट्रस्ट मी गाइज, यू नीड टू वॉच दिस फिल्म. अधीरा इज नॉट द मेन विलन.
कहानी का जो सिनॉप्सिस है वो है मेन कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी इन द सेंस जो यश के फ्रेंड्स होते हैं, रॉकी के जो दोस्त होते हैं, दोस्त इन द सेंस उनके जो बिजनेस पार्टनर, एक्चुअली लिटरली वो लोग दोस्त नहीं होते, वो लोग सब दुश्मन होते हैं एक दूसरे के जान के, बट हाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर बिजनेस पार्टनर, रॉकी को सबसे ज्यादा खतरा उनसे ही है, वो लोग ही ये सब गेम बिगाड़ते हैं रॉकी का और पॉलिटिशियंस को उनके पीछे लगाते हैं। इस फिल्म के अंदर आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और जिसको ऑलमोस्ट माँ काली का ही अवतार दिखाया गया है, दो वी डोंट नो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ रमिका सेन कि वो कैसे इतनी पावरफुल लीडर बनती है, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर तक चुन के आती है, उसका बैक स्टोरी क्या है, उनका स्ट्रगल क्या है, बट जो दिखाया गया है कि रवीना टंडन का कैरेक्टर रमिका सेन इज अ वेरी स्ट्रांग पॉलिटिशियन जो कि देश के लिए अपना जान भी दे सकती है, एंड उनका कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग दिखाया गया कि शी डज नॉट टेक शिट फ्रॉम एनीबॉडी, एंड वो अपना मोटिव को पूरा करने के लिए किसी भी लेंथ तक जा सकती है, शी कैन इवन यूज आर्मी ऑन सिविलियंस। ट्रेलर देख के सबको ऐसा लग रहा था कि रमिका सेन जो कि रवीना टंडन जी प्ले कर रही है शी मस्ट बी अ विलन, राइट? रॉन्ग। रमिका सेन को दिखाया गया है कि शी इज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन, वो एक ऐसी लेडी है जो किसी से नहीं डरती है, वो एक ऐसी लेडी है जो ब्राइब नहीं लेती, जो कि करप्ट नहीं है, एंड शी इज वेरी नेशनलिस्टिक, और उससे सिर्फ गुंडे और बदमाश नहीं, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी डरते हैं, उनका खौफ इतना है कि उनको कैसे पावर में ना आए, उसके पीछे भी एक प्लॉट दिखाया गया इस फिल्म के अंदर, और कैसे वो पावर में आने के बाद यश को अगर कोई घुटने पे लाता है तो वो ओनली रमिका सेन है। दो ये मूवी एक्शन वाइज बहुत ही बढ़िया है, लाइक आप इसको हॉलीवुड की इक्विवेलेंट आप कर सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे ऐसे कुछ सीन है जहां पे आपको हॉलीवुड के एवेंजर्स से भी ज्यादा पंप मिल जाएगा, लेकिन जहां पे ये मूवी लैक करती है जो कि मुझे लगा वो है कि ऑफ द बेसिक स्टोरी लाइन। यस, यहाँ पे जो शांति अम्मा का कैरेक्टर दिखाया जो कि यश रॉकी के मॉम का कैरेक्टर निभा रही है, उनका बैक स्टोरी मुझे थोड़ा अटपटा लगा। अगर आपको जानना है मुझे क्या अटपटा लगा, क्यों अटपटा लगा, प्लीज आप कमेंट में डालिए कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट हर मदर एंड व्हाई डू आई थिंक इट इज अटपटा, डू आई थिंक यश इज अ हीरो और इज ही अ विलन, फॉर दैट यू नीड टू कमेंट, एंड अगर मुझे ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बाकी प्लॉट यही है कि एक गरीब बच्चा जो अपने मॉम को बचपन में खो देता है, वो कैसे अपने विल पावर से क्राइम वर्ल्ड में ऊपर उठता है, और वो ऊपर उठता है अपने भूख के वजह से, और उसकी भूख ये है कि उसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मैन बनना है, एंड ये क्यों बनना है, क्योंकि उसने अपने मॉम को ये प्रॉमिस किया था ऑन हर डेथ बेड। एंड इस मूवी के अंदर एक डेविल को हीरो वर्शिप किया गया है जो कि इन माई ओपिनियन आई फील इट्स रॉन्ग, देर इज नो एसच पॉजिटिव मैसेज इन दिस फिल्म। ये फिल्म है एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इस मूवी को देख के आप इंस्पायर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इस मूवी को देख के क्रिमिनल्स इंस्पायर हो सकते हैं बट नॉर्मल पीपल वोंट बी इंस्पायर्ड, बट या दिस इज अ विजुअल ट्रीट, आप जाइए मूवी को हॉल में देख के आइए, बहुत ही खतरनाक इसके अंदर एनिमेशन यूज किया गया है, एक्शन इज जबरदस्त, रॉकिंग स्टार यश हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, वो अपने कैरेक्टर को सच में सेल करता है, एवरी कैरेक्टर इन दिस फिल्म हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, डायरेक्टर ने जो उनको स्क्रिप्ट दिया उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से निभाया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मूवी ओवरऑल वॉज गुड, आई गिव इट 3.5 स्टार्स। What do you have to say about this film? Please write down in the comments. And आप हमारे इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक क्या है, प्लीज हमको आप फीडबैक में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कभी क्रिटिक्स कभी रिव्यूज, आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट वीक।